उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खेतों में बुआई का वक्त चल रहा है, ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। खाद की जरूरत के बीच मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार बड़े दामों में किसानों को खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं। जब इसकी सूचना एसडीएम को लगी तो उन्होंने टीम के साथ छापा मारा और ज्यादा दामों में खाद बेच रहे प्राइवेट खाद दुकानदार पर कार्रवाई की। दुकानदार 1800 रुपए प्रति बोरी खाद बेच रहा था। कितनी बोरी ली थी आपने? 1500 जमा किए थे, 4 बोरी लिए। वैसे कितने की मिलनी चाहिए पौधे? 1355 की मिलती है, 1355 की मिलनी चाहिए। अच्छा, कितने रुपए कमा रही है एक बोरी में? ये 500-450 बनता है इनका एक बोरी का। अब तीन बोरी लिया तो मतलब दिन भरे के हम लोगों की निकाल ली। आज किसने पकड़ी है? खाद एसडीएम साहब से सूचना मिली थी कि कुरारा में ओवर रेटिंग डीएपी बेची जा रही है, तो इसकी जांच करने के लिए मैंने व्यक्ति को भेजा कि वास्तविकता क्या है। तो उसने डीएपी उसने खरीदा कि किस हिसाब से मिल रही, तो उसने 1800 रुपये बताया। और मैं अब यहाँ आके दुकान पाया तो तमाम किसान हैं, सबने ये बताया कि 1800 रुपये की जो है डीएपी दी जा रही है, जबकि इसका जो है नियत मूल्य 1350 रुपया है। करीब कितनी बोरी सर पकड़ी गई है? बोरी की संख्या का तो अनुमान नहीं है, अभी गिनती नहीं की है, लेकिन पर्याप्त संख्या में बोरियां हैं और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। किस दुकान में सर छापा मारा? ये शिव कृपा ट्रेडर्स है, भोली रोड पर। नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वनेश कुमार की रिपोर्ट।